दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप रिलायंस जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल का है हमारे सामने, जहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से बताया गया है कि रिलायंस जियो के अंदर 4 प्लान को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो के अंदर 4 प्लान को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और ये जो 4 जो प्लान है ये जियो फोन यूजर्स के लिए प्लान था। जिन लोग जो है जियो का सिम को जियो फोन के अंदर यूज़ करते थे, तो दोस्तों ये जो 4 जो प्लान था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लान था जियो के अंदर। दोस्तों अगर आप भी जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, आप भी जियो का ग्राहक है, या फिर आपका घर में कोई जियो फोन को यूज करते थे, तो आज का इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिलायंस जियो के अंदर कौन से ऐसे 4 प्लान को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, किसको जो है बंद कर दिया गया है, और अभी जो है ये 4 प्लान को बंद करके अभी जो है नया 4 प्लान को लॉन्च कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आज का इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए ब्रेन में इसकी आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले जो रिलायंस जियो के अंदर जो आईएससी चार्ज का जो सिलसिला है वो 1 जनवरी 2021 का बाद से जो पूरे तरीके से उठा लिया गया, मतलब विदड्रॉ कर लिया गया। तो दोस्तों तब से जो है रिलायंस जियो के अंदर आप किसी भी नेटवर्क पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको जो है आईएससी चार्ज पे करना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों इसका पहले जो है अगर आप जियो में कॉलिंग करते तो दोस्तों आपको जो है जो अनलिमिटेड कॉलिंग करने का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिल जाता था। लेकिन दोस्तों अगर आप जियो टू अदर नेटवर्क पे कॉलिंग करते थे तो दोस्तों आपको जो आईओसी चार्ज को पे करना पड़ता था, जैसे दोस्तों आपको जो आईओसी चार्ज देना पड़ता था। तो दोस्तों तब जो है जियो के अंदर जो प्लान था वो सिलेक्ट करके लॉन्च कर दिया गया था, जो कि था 4 जो प्लान है मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। ये 4 प्लान को जो है आईओसी चार्ज के द्वारा लॉन्च किया गया था, और अभी ये 4 प्लान को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लान का जो है आईएससी चार्ज जब आए थे तो दोस्तों तब लॉन्च हो गया था, और अभी जो ये प्लान को बंद कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले जो प्लान है वो है 99 रुपीज़ वाले प्लान, 153 रुपीज़ वाले प्लान, 297 रुपीज़ वाले प्लान, 594 रुपीज़ वाले प्लान। दोस्तों ये जो 4 प्लान है ये 4 प्लान को अभी जो है रिलायंस जियो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस प्लान के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा था। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड कॉलिंग करने का बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ आपको जो है जो डेटा मिलता था वो आपको 4 प्लान के अंदर सेम डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था, जो कि था 500 MB का आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी जो है ए प्लान के अंदर आपको जो वैलिडिटी आपको डिफरेंस तरीके से मिल रहा था। अगर मैं 99 रुपीज़ वाले प्लान का बात करूँ दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपका जो वैलिडिटी था वो आपको 28 डे का वैलिडिटी आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। और इसके साथ ही साथ अगर मैं 297 रुपीज़ का बात करूँ दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको 84 डे का वैलिडिटी प्रोवाइड किया जा रहा था। और जो 594 रुपीज़ वाला जो प्लान है, इस प्लान के अंदर आपको 168 डे का आपको वैलिडिटी प्रोवाइड किया जा रहा था जब आईएससी चार्ज को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों अब तब जो है ये 4 प्लान को लॉन्च कर किया गया था, और इस तरीके से आपको बेनिफिट जो है 4 प्लान के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी जो है ए प्लान जो 4 प्लान है, 4 प्लान को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अभी जो है ए प्लान आपको और जियो फोन यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी जो है नया 4 प्लान जो है लॉन्च कर दिया गया, और अभी जो है अगर आप रिचार्ज कराने जाते हैं ये 4 प्लान को तो आपको ये 4 प्लान जो है देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से जो 4 प्लान जो नया आया है वो कौन सी है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ कि अभी जो रिलायंस जियो के अंदर अभी आपको कौन से 4 नया प्लान देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जियो के अंदर अभी आपको जो प्लान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 75 रुपीज़ वाले प्लान, 125 रुपीज़ वाले प्लान, 155 रुपीज़ वाले प्लान और 185 रुपीज़ वाले प्लान। दोस्तों ये 4 प्लान को जो है अभी रिलायंस जियो के अंदर लॉन्च कर दिया गया। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ कि ये 4 प्लान के अंदर आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है अभी के टाइम पे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 75 रुपीज़ वाले प्लान का। इस प्लान के अंदर आपको जो है रोजाना 100 MB करके आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ आप जो है ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग आपको इस प्लान के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप किसी भी नेटवर्क पर ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, और इस प्लान का जो वैलिडिटी रखा गया है और रखा गया है 28 डे का। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड प्लान का, जो कि है 125 रुपीज़ वाले प्लान। इस प्लान के अंदर आपको 500 MB करके आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग करने का बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस प्लान का भी जो वैलिडिटी रखा गया है वो रखा गया है 28 डे का।
अभी हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड प्लान का, जो कि है 155 रुपीज़ वाले प्लान। इस प्लान के अंदर भी आपको जो है जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड किया जा रहा है 1 GB करके। जी दोस्तों, आपके जो 1 GB करके इस प्लान के अंदर डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ भी इस प्लान के अंदर भी आपको जो है अनलिमिटेड कॉलिंग करने का जो बेनिफिट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस प्लान का भी जो वैलिडिटी रखा गया वो रखा गया 28 डे का। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ प्लान का, जो कि है 185 रुपीज़ वाले प्लान। इस प्लान के अंदर भी आपको 2 GB करके आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है पर डे। और इसके साथ आपको इस प्लान के अंदर भी आपको जो है बेनिफिट है वो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग करने का बेनिफिट इस प्लान के अंदर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस प्लान का भी जो वैलिडिटी रखा गया वो रखा गया 28 डे का। दोस्तों, अभी जो आपको ये चारों प्लान जियो फोन यूज़ के लिए देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जियो फोन का यूज़ करते हैं या फिर आपके घर में कोई जियो फोन यूजर्स है तो दोस्तों आपको जो अभी से ये चारों प्लान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो ये चारों प्लान में वैसे किसी एक प्लान को जो आपको रिचार्ज अभी कराना पड़ेगा, और जो पहले जो प्लान था वो आपको और देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ न्यूज जो है वो रिलायंस की तरफ से निकल के आया था, जो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो पसंद आया कुछ ना जानकर अगर आपको मिला हो आज का इस वीडियो से, तो आज का इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो, हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखे नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे इनको बड़ी वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।